और अब आपको सीधे लिए चलते मध्य प्रदेश की सीधी में, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। कि एमपी के मन में और देश के मन में मोदी है और मोदी के मन में देश है और एमपी है, ये है प्रधानमंत्री। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि चाहे हम गुजरात की बात करें जहां हम 30 साल से सरकार में हैं, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें जहां 20 साल से अधिक सरकार में है। अभी अभी आपने हमारे विधायक जी बता रहे थे यहां के प्रत्याशी के बारे में कि वो लड़ रहे हैं लोकसभा विधानसभा, जीते नहीं, ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात सामने आई है जो आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले राजनीति होती थी लोगों को बांट करके। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भाई को भाई से बांटा, तुम नदी के इस पार का कैंडिडेट है कि नदी के इस पार का कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हमारे बिरादरी का है कि किसी और बिरादरी का है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। और उसके बाद सबका वोट लिया, सबका वोट, और वोट लेने के बाद सरकार किसी जाति की बन गई, किसी वर्ग की बन गई, किसी समुदाय की बन गई, वह सबकी सरकार नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति की परिभाषा बदल डाली। अब न जात पर न पात पर, अब जब परिभाषा बदली तो क्या बदली, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब लोगों को गुमराह करके पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब जातियों में और वर्ग में बांट करके राजनीति नहीं होगी, अब राजनीति होगी तो वो विकास की राजनीति होगी और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। अपना काम बताओ, क्या काम किया है, और उस काम के आधार पर तुम्हारे बारे में तय होगा। इस तरीके का हमको देखने को मिला।